हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं टेक्सास चेनसॉ मैसेकर सीरीज। ये हमारी हॉरर लेजेंड सीरीज का भी हिस्सा है और इस फ्रेंचाइज का हॉरर लेजेंड है लेदरफेस, जिसने बाकी स्लैशर आइकन्स को जन्म दिया। इस फ्रेंचाइज में अभी तक 8 मूवीज आ चुकी हैं और 9th मूवी शायद हमें इसी साल देखने को मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बता दूं कि मैं ऑलरेडी इसके रीबूट्स कवर कर चुका हूं, यानी कि 4 मूवीज की वीडियो पहले चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें जरूर चेक करना, क्योंकि जैसा लेदरफेस रीबूट में दिखाया गया है वैसा कहीं भी नहीं दिखाया गया। अब इस सीरीज में हम ओरिजिनल 4 क्लासिक मूवीज को कवर करेंगे और लेदरफेस की जर्नी को और पास से देखेंगे, क्योंकि लेदरफेस एक लौता ऐसा हॉरर लेजेंड है जो कि आपको हर एक मूवी में अलग ही देखने को मिलेगा। इसके साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे 1974 में आई द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर को, जो कि स्लैशर्स की जन्मदाता है और आज तक भी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हॉरर फिल्म है। इसके राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है टोबी हूपर, जो कि किसी लेजेंड से कम नहीं। इसके को प्रोड्यूसर और को राइटर है किम हेंकल। जो कुछ भी आप इस मूवी के बारे में जानना चाहते हो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में कमेंट्री के थ्रू में बताया जाता है कि कैसे एक आम सी दोपहर 5 लोगों के लिए नाइटमेयर बन गई थी और उस इंसिडेंट को कहते हैं द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। बेसिकली इस कमेंट्री को दिखाने का मतलब यह है कि आगे जो फिल्म आप देखने वाले हो वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। अब ये कितना सच है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है 18 अगस्त 1973 में और एक खतरनाक से शॉट के थ्रू में बताया जाता है कि टेक्सास में ग्रेव रॉबिंग की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, यानी कि कोई कब्रों को खोद कर उनमें से डेड बॉडीज निकाल रहा है। और इन दो बॉडीज को देखकर आप समझ सकते हो कि ये काम किसी साइकोपैथ का है। इसके बाद हम देखते हैं उन्हीं 5 लोगों को जिनका जिक्र कमेंट्री में हुआ था। सैली हार्डेस्टी, उसका हैंडीकैप भाई फ्रैंकलिन, उनके दोस्त जेरी, किर्क और किर्क की गर्लफ्रेंड पैम, ये सब टेक्सास में आए हैं चेक करने कि सैली के ग्रैंडफादर की कब्र ठीक ठाक है या नहीं, कहीं उसे भी तो नहीं खोद दिया। ग्रेवयार्ड पर जाकर वो चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की कब्र सही सलामत है। अब वापस जाने के बजाय वो जा रहे थे अपने पुराने फैमिली होम में, तब रास्ते में पड़ता है एक स्लॉटर हाउस। फ्रैंकलिन बताता है कि उनके एक अंकल वहाँ पर काम करते थे और वो ये भी बताता है कि कैसे कैटल्स को वहाँ पर मारा जाता था, और ये सब वो काफ़ी डिटेल में बता रहा था। खैर, आगे उन्हें एक हिचहाइकर मिलता है जिसे वो अपनी वैन में बिठा लेते हैं। वो हिचहाइकर काफ़ी अजीब था। वो बताता है कि उसका भाई और ग्रैंडफादर उस स्लॉटर हाउस में काम करते थे। अब फ्रैंकलिन तो बस बता ही रहा था, लेकिन वो उन्हें दिखाता है कि कैटल्स को किस तरह मारा जाता था। या फ्रैंकलिन अपने चाकू के साथ खेल रहा था तब वो उसके हाथ से चाकू छीन कर अपने हाथ पर एक कट मार लेता है, जिसे देखकर बाकी सब तो परेशान हो गए थे, लेकिन वो काफी खुश लग रहा था। साइकोपैथ कन्फर्म्ड। वो दिखाता है कि उसके पास भी एक चाकू है और उसकी अजीब हरकतें अभी खत्म नहीं हुई थी। वो फ्रैंकलिन की एक फोटो लेकर उसे $2 में बेच रहा था, लेकिन फ्रैंकलिन को वो नहीं चाहिए थी। तब वो फिर से सनक जाता है और उसी वक्त फोटो को जला देता है। अब वो सब उससे तंग आ गए थे और ये बात उसे भी पता चल गई थी। अचानक वो अपने चाकू से फ्रैंकलिन के हाथ पर एक कट मार देता है। तब वो वैन रोककर उसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो अभी भी उनके पीछे ही था। वो अपने खून से वैन पर कुछ लिख रहा था। खैर, आखिरकार वो उसे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए थे और आज के बाद वो किसी को भी लिफ्ट नहीं देंगे। वो जाकर रुकते हैं एक गैस स्टेशन पर, जो कि एक बारबेक्यू जंक्शन भी था। अब आप जान गए होंगे कि स्लैशर में गैस स्टेशन कहाँ से आए। बदकिस्मती से वहाँ पर फ्यूल खत्म था। तब वो वहाँ के ओनर से अपनी फैमिली होम का रास्ता पूछते हैं और इस ओनर का नाम है ड्रेटन सॉयर। अब वहाँ पर उन्हें फ्यूल तो नहीं मिलता, इसलिए वो बारबेक्यू से ही काम चला लेते हैं। अपने बचे कुछ फ्यूल के साथ वो पहुंच जाते हैं उनके फैमिली होम पर, जो कि अभी एक खंडर है। वहां पर वो नोटिस करते हैं कि उस हिचहाइकर ने उनकी वैन पर खून से एक सिंबल बनाया हुआ था। जेरी कहता है कि ये जोरो का सिंबल है और इसका मतलब है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बाकी सब तो इसे सीरियस नहीं लेते, लेकिन फ्रैंकलिन की सांसें रुक गई थी। वो उस घर का टूर लेते हैं और वहां पर काफी अजीब चीजें थी। किर्क और पैम तो वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन ने उन्हें बताया था कि यहाँ पास में एक तालाब था। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तालाब तो कब का सूख चुका, वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। पास में एक घर था जहां पर जनरेटर चल रहा था, यानी कि वहां पर लोग रहते हैं। वो दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं इस उम्मीद में कि वहां उन्हें थोड़ा फ्यूल मिल जाएगा उनकी वैन के लिए। अब उस घर के पास भी काफी अजीब चीजें थी, जैसे कि कई सारी अबैंडन्ड कार्स। इस सब को अनदेखा करके वो दोनों पहुंच जाते हैं फ्रंट डोर पर, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। मिलता है तो बस एक सड़ा हुआ दांत, जिसे किर्क पैम को दिखाता है और वो गुस्सा होकर उसे दूर चली जाती है। अब यहाँ पर किर्क जबरदस्ती उस घर में घुस जाता है और सामने एक अजीब सा रूम था जिसमें कई सारे एनिमल हेड्स और स्कल्स थे। ये सब उसे जरा भी अजीब नहीं लगता, बल्कि वो तो उस रूम की तरफ खींचा जा रहा था। अब ऐसे ही वो उस रूम तक पहुंचता है, तभी अंदर से निकलता है लेदरफेस, जो कि हथौड़ा उसके सर में दे मारता है और मरने के बजाय वो बुरी तरह तड़प रहा था। तब वो एक और वार करके उसे खत्म करता है और दरवाजे को कर लेता है बंद। जब काफी देर तक किर्क नहीं आता तो पैम उसे चेक करने जाती है और ये शॉट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन इससे भी ज्यादा पॉपुलर शॉट अभी आगे आएगा।
वो भी किर्क की तरह अंदर घुस जाती है और पहुंच जाती है एक रूम में जो कि हड्डियों से भरा पड़ा था। वहां पर हड्डियों का फर्नीचर था, काफी सारी सजावट की चीजें थी और कुल मिलाकर ये सब काफी क्रीपी था। ऐसे रूम में खुद को पाकर कोई भी सुन हो जाए, यही हाल पैम का था। वो चिल्लाते हुए बाहर जाती है और उसके पीछे पड़ जाता है लेदरफेस। वो बाहर से उसे खींचकर ले आता है और यही वो सीन है जो कि हॉरर हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इस सीन का काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। पैम को ले जाकर वो लटका देता है एक मीट हुक पर और उसी के सामने एक चेन से उसे गिर के टुकड़े भी करता है। उधर इनके दोस्त परेशान हो रहे थे क्योंकि इन दोनों को गए हुए काफी देर हो चुकी थी। आखिर में जेरी निकलता है इन्हें ढूंढने। ऐसे भटकते हुए फाइनली वो पहुंच जाता है इस घर तक और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो भी सीधा घर में घुस जाता है। उस रूम में पहुंचकर उसे फ्रीजर में से कुछ आवाज आ रही थी। वो फ्रीजर खोलता है और अंदर उसे मिलती है पैम। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता पीछे से लेदर फेस आता है और हथौड़े से उसे भी मार देता है। इसके बाद वो पैम को फिर से बंद कर देता है उस फ्रीजर में। इस पॉइंट पर लेदर फेस भी काफी परेशान हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों परेशान हो रहा है, वो तो किलर है। इसकी वजह यह है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है क्योंकि वो खुद किसी का शिकार नहीं कर रहा। उसने मारा है उन लोगों को जो उसके घर में घुसपैठ कर रहे थे और लिटरली अभी तक यही हुआ है। उन तीनों के ही आने पर वो बाहर नहीं निकला। वो तीनों जबरदस्ती उसके घर में आए और उसने डर के मारे उन तीनों को मारा। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि लेदरफेस कोई समझदार करेक्टर नहीं है। ये काइंड ऑफ मेंटली वीक है और हमेशा अपनी फैमिली से डर के रहता है और उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। इसलिए समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतने लोग उसके घर में क्यों आ रहे हैं और अभी और कितने आएंगे। यहाँ एक काफी कॉमन सवाल ये आता है कि जब ये मेंटली इतना वीक है तो इसके घर के बाहर इतनी सारी गाड़ियां क्या कर रही हैं? इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। अब रात हो चुकी थी और ये दोनों भाई बहन अकेले बचे हैं। सैली को अपने फ्रेंड्स की चिंता हो रही थी लेकिन फ्रैंकलिन कह रहा था कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए और सैली इसके लिए तैयार नहीं। वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें ढूंढने जाएगी और ना चाहते हुए फ्रैंकलिन को उसके साथ जाना पड़ता है। वो दोनों आवाजें लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे और उन्हें भी वो घर दिख गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उस घर तक पहुंचते उनके पास पहुंच जाता है लेदरफेस और वो अपनी चेनसों से फ्रैंकलिन को काट देता है। ये देखकर सैली के होश उड़ गए थे और ऑडियंस के भी, हालांकि उसे कटते हुए नहीं दिखाया गया। सैली भागती है और पहुंच जाती है उसके घर तक, लेकिन लेदरफेस उसके पीछे ही था। बचने के लिए वो ऊपर जाती है और ऊपर से मिलता है एक कपल जिसमें से औरत तो कब की मर चुकी थी और आदमी भी इतना बूढ़ा था कि उसकी स्किन भी ऑलमोस्ट डेड है और हाँ उनके पास एक पैड भी था। सैली डरते हुए नीचे भागती है लेकिन नीचे था लेदरफेस, इसलिए उसे वापस ऊपर आना पड़ता है और इस बार बचने के लिए वो खिड़की से कूद जाती है। या फिर से खुले में चेस चलता है और इस बार वो पहुंच जाते हैं उस गैस स्टेशन पर और अचानक लेदरफेस भी उसके पीछे नहीं था। वो ड्रेटन को सब कुछ बता देती है और वो जाता है अपना ट्रक लेने ताकि वो पुलिस के पास जा सके। अब ट्रक तो वो ले आया था लेकिन साथ में वो लाया था एक बैग और एक रस्सी। सैली को काबू करके वो बैग में डालता है और ट्रक में डालकर उसे कहीं ले जा रहा था। वो उसे लेकर आया था उसी घर तक जहाँ से वो भागी थी और घर के पास ही उसे मिल जाता है वो हिचहाइकर जिसे हमने पहले देखा था। वो ट्रक रोककर उसे मारने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये हिचहाइकर वही आदमी है जो कि ग्रेव रॉबिंग्स कर रहा है सिर्फ फन के लिए। वो दोनों घर तक पहुँचते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई हैं। सबसे बड़ा भाई है ड्रेटन, उसके बाद हिचहाइकर और सबसे छोटा है लेदरफेस। अब आपको पता चल गया होगा कि इनके घर के बाहर इतनी कार्स कहाँ से आई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेदरफेस का मास भी अलग है। ड्रेटन उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो सैली को नहीं पकड़ पाया और आप देख सकते हो कि वो कितना ज्यादा डरता है अपने भाई से। सैली को बांध कर वो ऊपर से लाते अपने ग्रैंडपा को जो कि 124 साल का है और ये अभी तक जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके डैड काफी स्ट्रिक्ट है, ये सिर्फ खून पीता है। वो उसे सैली का खून पिला रहे थे तभी वो हो जाती है बेहोश। जब उसे होश आता है तो वो खुद को पाती है डाइनिंग टेबल पर और उसके हाथ बंधे हुए थे दो और हाथों पर। उसके सामने वो पूरी फैमिली बैठी थी और यहाँ पर लेदरफेस का मास फिर से अलग है। प्लस यहाँ पर हमें यह भी कंफर्म हो जाता है कि ये फैमिली कैनिबल है यानी कि इंसानों को खाते हैं और ये फैंसी लैम्प तो मैं भूल ही गया। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रेटन किलिंग नहीं करता, वो सिर्फ खाना बनाता है और किलिंग में सबसे बेस्ट था उनका ग्रैंडपा। ये सीन भी काफी ज्यादा फेमस है। अब टाइम आया था शैली के मरने का और इसका मौका वो देते हैं ग्रैंडपा को क्योंकि वो सबसे बेस्ट किलर जो ठहरा। वो उसके हाथ में एक हथौड़ा देते हैं जो कि उसे शैली के सर में मारना था लेकिन उससे हथौड़ा संभल ही नहीं रहा। अब यहाँ पर चल रहा है डार्क कॉमेडी, सबसे बेस्ट किलर से हथौड़ा तक नहीं संभल रहा। वो बार बार हथौड़ा गिराता और वो बार बार उसे उठा कर देते। आखिर में वो एक हिट कर ही देता है और तभी सैली छूटकर वहां से भाग जाती है। वो एक बार फिर से खिड़की तोड़कर बाहर निकलती है और इस बार उसका पीछा कर रहा था हिचहाइकर और साथ में लेदरफेस। उनसे बचते हुए सैली पहुंच जाती है रोड तक और वहां एक ट्रक उस हिचहाइकर को कुचल देता है। ड्राइवर बाहर आता है सैली की हेल्प करने लेकिन लेदरफेस को देखकर वो चला जाता है फिर से अंदर और सैली को भी उसने अंदर ले लिया था। अब ट्रक लेकर वहां से निकलने के बजाय वो दूसरी तरफ से बाहर निकलकर भागते हैं। लेदरफेस उनके पीछे ही था तब वो ड्राइवर एक पाइप रिंच उसके सर पर दे मारता है जिससे उसकी चेन सोसी के पैर पर चल जाती है लेकिन वो अभी भी उनके पीछे ही था। वहां पर एक और कार आती है जिसके पीछे चढ़कर सैली वहां से निकल जाती है।
और ड्राइवर का किसी को पता नहीं चल पाया। लोग कहते हैं कि आज भी वो भाग रहा है। यहाँ लेदरफेस गुस्से में अपनी चेन सॉ लहराता है और यही वो सीन है जो हॉरर हिस्ट्री में अमर हो चुका है। इसी के साथ ये मूवी हो जाती है एंड। अपने टाइम के हिसाब से मूवी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग थी वो हमने देख लिया, लेकिन टेक्सस चेनसॉ मैसेकर का नाम सुनकर हमें लगता है कि काफी ज्यादा खून खराबे वाली मूवी होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। मूवी में खून ना के बराबर था और ज्यादातर किलिंग्स भी ऑफ स्क्रीन थी। ना ही इसमें गाली गलौज थी और ना ही न्यूडिटी, जो कि आजकल स्लैशर की मेन की है। तो जब इस फिल्म में ये सब था ही नहीं तो फिर इसका इतना नाम कैसे? क्योंकि इसमें था प्योर टेरर, आपको डराती है अपने एटमॉस्फेयर से। और क्योंकि इसे एडवर्टाइज किया गया था ये कहकर कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए खौफ तो इसका था ही, लेकिन असल में किसी भी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड नहीं है। लेदरफेस का कैरेक्टर लूजली बेस्ड है एडगिन पर, जो कि एक अजीब किलर था। इसके बारे में मैंने रिबूट वाली वीडियो में बताया है, आपको वहां से सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर आप एडगिन के बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस फिल्म की काफी बड़ी रेपुटेशन है, इसे गिना जाता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हॉरर फिल्म्स में, लेकिन ज्यादातर लोग इस मूवी की इंपॉर्टेंस नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि इस मूवी का हॉरर में क्या योगदान है, लेकिन सिर्फ दो सिंपल चीजें हैं। अगर कोई स्लैशर आपकी फेवरेट है तो आपको शुक्रिया करना चाहिए टेक्सस चेनसॉ मैसेकर का, और अगर कोई मास्क पहना विलन आपका फेवरेट है तो आपको शुक्रिया करना चाहिए लेदरफेस का। इस मूवी की सक्सेस को कैश इन करने के लिए ही बाकी सभी स्लैशर बनी थी, जैसे कि हैलोवीन, फ्राइडे द 13th, नाइटमेयर ऑन एम स्ट्रीट, चाइल्ड्स प्ले, एलियंस और भी बहुत सारी। तो इसे बाकी मूवीज से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। जो मूवी बाकी मूवीज को रास्ता दिखा दे उसे हमेशा ऊपर ही रखा जाता है। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े फैक्ट्स के बारे में, जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका बजट था 80,000 से 1,40,000 डॉलर्स और इसने बिजनेस किया था 31 मिलियन डॉलर्स का, वो भी सिर्फ डोमेस्टिक। दुनिया भर में अभी तक कमा चुके हैं 150 मिलियन से ज्यादा। ये 1974 की 12th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। जॉन लैरोक्वेट, जिन्होंने ओपनिंग कमेंट्री की थी, उनकी पेमेंट थी एक मैरिजुआना जॉइंट, और फन फैक्ट ये है कि उन्होंने ये मूवी कभी देखी नहीं। मैरिलिन बर्न्स, जिन्होंने सैली का रोल किया, चेज वाले सीन में उनकी बॉडी पर काफी कट्स लग गए थे उन झाड़ियों की वजह से, इसलिए जो खून उनके कपड़ों पर था उसमें से काफी खून उनका खुद का था। मूवी का नाम काफी बदनाम है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये मूवी लीस्ट ब्लडी हॉरर फिल्म्स की लिस्ट में है। ऐसा इसलिए क्योंकि टोबी ऊपर इसे बनाना चाहते थे पीजी रेटेड, इसलिए उन्होंने वायलेंस को कम रखा, लैंग्वेज भी ठीक रखी और ज्यादातर किल्स को भी ऑफ स्क्रीन रखा, लेकिन ये सब बैकफायर कर गया क्योंकि इस सबसे मूवी और ज्यादा हॉरिफाइंग बन गई। गनर हैंसन, जिन्होंने लेदरफेस का रोल किया, अपने रोल की तैयारी के लिए वो एक मेंटली हैंडीकैप स्कूल में गए थे और वहां पर हैंसन ने पेशेंट्स को नोटिस किया क्योंकि लेदरफेस का कैरेक्टर भी ऐसा ही था। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब ये इतनी भयानक थी कि लोग इसके प्रीव्यू देखकर थिएटर से भाग रहे थे। टोबी ऊपर को इस फिल्म का आइडिया तब आया था जब वो एक स्टोर में क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं इस भीड़ से आगे कैसे निकलूं, तब उनकी नजर पड़ी एक चेनसॉ पर। जॉन डूगन, जिन्होंने ग्रैंडपा का रोल किया, उनकी उम्र थी सिर्फ 18 साल। 5 घंटों तक मेकअप करने के बाद उन्हें वो लुक दिया गया और वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि वो नहीं चाहते थे कि ये मेकअप उन्हें दोबारा करवाना पड़े, इसलिए उनके सारे सीन्स को एक ही सेशन में शूट किया गया और वो सेशन चला था 36 घंटों तक। 36 घंटे वो भी 48 डिग्री टेम्परेचर में। पूरे क्रू की हालत खराब हो गई थी क्योंकि शूटिंग के टाइम बाहर रोशनी थी, इसलिए सभी खिड़कियों को सील कर दिया गया था। अब वहां पर एक पंखा तक नहीं था, गर्मी से उनकी हालत खराब हो रही थी और ऊपर से वहां डेड एनिमल्स थे और मीट भी, जो कि गर्मी की वजह से सड़ रहा था। हालात इतने बुरे थे कि कई क्रू मेंबर्स तो बाहर जाकर उल्टियां कर रहे थे, जिनमें लेदरफेस भी शामिल था। तब इस मूवी में काम कर रहे एक्टर्स ने इसे टॉर्चर बताया था। ग्रैंडपा को खून पिलाने वाला सीन भी इसी सेशन में था, लेकिन जिस ट्यूब से खून निकलना था वो बार बार ब्लॉक हो रही थी और एक्टर्स की हालत पहले से ही खराब थी, इसलिए गनर हैंसन ने सच में मैडलिन की उंगली पर कट मारा था ताकि जल्दी से सीन निपट जाए। इस हद तक वो सब परेशान थे। सैली के विंडो से कूदने वाले सीन के लिए स्टंट डबल थी, लेकिन मैरिलिन ने फिर भी खुद को इंजर्ड कर लिया था सिर्फ जमीन पर गिरते हुए। बहुत ही कम बजट की वजह से गनर हैंसन के पास सिर्फ एक ही शर्ट थी, जो उन्हें लेदरफेस के रोल में पहननी थी। हैंसन ने वो पूरे 4 हफ्तों तक पहनी और उसे धोया भी नहीं। शूट के एंड तक हालात ये हो गए थे कि कोई उनके पास बैठ भी नहीं रहा था क्योंकि उनके अंदर से काफी बुरी स्मेल आ रही थी। फिल्म में जो आपने वैन देखी वो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट की थी और चेनसॉ एक प्रोड्यूसर की। पॉल पार्शन, जिन्होंने फ्रैंकलिन का रोल किया, वो सेट पर भी अपने कैरेक्टर में ही रहते थे, इसलिए बाकी एक्टर्स सीन के साथ नहीं बनती थी। फ्रैंकलिन और सैली के जितने भी बहस वाले सीन्स हैं वो सब असली बहस थी, और हैंसन भी पॉल को पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि जब मैंने फ्रैंकलिन को मारा था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि अब पॉल को सेट पर नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन बाद में हैंसन को पता चला कि वो एक मेथड एक्टर थे, इसलिए बाद में वो दोनों दोस्त बन गए और पॉल की डेथ तक दोनों दोस्त रहे। हैंसन ने लेदरफेस के रोल से मना कर दिया था क्योंकि वो काफी ब्रूटल था, तब मैरिलिन ने उन्हें मनाया क्योंकि उनकी दोस्त थी। खास इस रोल के लिए हैंसन ने अपनी बियर्ड शेव की थी, इसके बाद उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हैंसन को इस फिल्म में काम करने के लिए सिर्फ $800 मिले थे। हैंसन कई बार चीजों और दरवाजों से टकराते थे क्योंकि लेदरफेस के मास्क में ठीक से दिखता ही नहीं था, और ऊपर से उन्हें 3 इंच की हील्स भी पहननी पड़ती थी ताकि वो और बड़े दिखें। लेकिन हील्स पहनने के बावजूद भी वो मैरिलिन से तेज भागते थे, इसलिए चेस सीन को बैलेंस करने के लिए उन्हें काफी अजीब चीजें करनी पड़ती थी, जैसे कि टहनियों को काटना। यह आप एक सीन में देख भी सकते हो।
सैली के कपड़ों पर इतना ज्यादा खून था कि शूटिंग के आखिरी दिन तक वो एकदम सॉलिड हो गए थे। लेदरफेस के घर का अब कोई नाम निशान नहीं है। जहाँ पर वो घर था अब वहाँ पर एक प्लेन फील्ड है, लेकिन उस घर को दोबारा बनाया गया है किसी और जगह पर और फिलहाल वो एक रेस्टोरेंट है। और जो गैस स्टेशन आपने देखा था वो भी अब एक रेस्टोरेंट है। इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर थी ब्रैंसन कंपनी, जिसे चला रहा था माफिया, लेकिन ऊपर को उसके बारे में नहीं पता था। मूवी ने इतना सदा बिजनेस किया लेकिन इस कंपनी ने कास्ट और क्रू को दिए $405। बाद में इस कंपनी के लुइस पेरानो को अरेस्ट कर लिया गया और ये कंपनी दिवाला हो गई। मूवी के राइट्स खरीद लिए न्यू लाइन सिनेमा ने। इस मूवी के आने के बाद टेक्सास में क्राइम 18% तक कम हो गया था, क्योंकि इस मूवी से लोगों ने सीख ली थी कि किसी को ऐसे लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। मूवी में लेदरफेस ने 3 मास्क पहने थे। तीनों मास्क उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। मास्क के हिसाब से वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज करता है। किलिंग के टाइम पर वो पहनता है रेगुलर मास्क, और जब वो थोड़ा घर का काम करता है तब वो पहनता है बूढ़ी औरत वाला मास्क, और जब वो अच्छे मूड में होता है तो वो पहनता है एक सुंदर लेडी वाला मास्क। कहने का मतलब ये है कि मास्क के पीछे कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। एक्टर्स को एंसर से मिलवाया नहीं गया था ताकि जब वो लेदरफेस को देखे तो उनका रिएक्शन नेचुरल हो। यूके और फिनलैंड में मूवी 25 सालों तक बैन थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये 1980s तक रिलीज नहीं हुई थी। एक बड़े ही फेमस हॉरर डायरेक्टर हैं गियर्मो डेल टोरो। इस फिल्म को देखने के बाद वो वेजिटेरियन हो गए थे। इस फिल्म को शूट किया गया था 15 जुलाई 1973 से 14 अगस्त 1973 तक, लेकिन फिल्म के इवेंट्स हैं 18 अगस्त 1973 के। इतना ही काफी है ये समझने के लिए कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। इसका शूटिंग शेड्यूल 2 हफ्तों का था, लेकिन शूटिंग चली 4 हफ्तों तक, जिसमें क्रू ने डेली 16 घंटों तक काम किया, वो भी तपती धूप में। मूवी का नाम है टेक्सास चेनसो मैसेकर, लेकिन फिल्म में चेनसो से सिर्फ एक इंसान मारा गया, वो था फ्रैंकलिन। इस मूवी में चेनसो से उतने मर्डर्स नहीं हुए जितनी बार सैली विंडो से बाहर कूदी। ये बिगेस्ट ग्रोसिंग इंडिपेंडेंट फिल्म थी। फिर 4 साल बाद आई हैलोवीन, जिसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेदरफेस की फैमिली थी सॉयर फैमिली। सॉयर वो पर्सन होता है जो चेनसो का यूज करता है। इस फिल्म के वर्किंग टाइटल थे स्टॉकिंग लेदरफेस और हेड चीज। हेड चीज के नाम से बाद में एक मूवी आई थी जिसमें काफी सारी लोकेशन सेम इसी मूवी वाली थी। इस मूवी ने रिडली स्कॉट को इंस्पायर किया था एलियन मूवी बनाने के लिए। एलियन को टेक्सास चेनसो मैसेकर इन स्पेस भी कहा जाता है। लेदरफेस के घर के बाहर जो कास्ट थी असल में वो आधी जमीन के अंदर दबी होने वाली थी, लेकिन इतना बजट नहीं था। जब सैली भाग कर गैस स्टेशन पहुंचती है उस वक्त लेदरफेस को गुस्से में चेनसो घुमानी थी, लेकिन बाद में साइडियो को एंड में यूज किया गया। जिस सीन में लेदरफेस अपने पैर पर चेनसो गिरा लेता है उस सीन में हैंसन की चीखें असली थी, क्योंकि उनके पैर पर एक मेटल प्लेट लगी थी, उसके ऊपर मीट और एक ब्लड बैग था, लेकिन चेनसो के चलने से वो प्लेट इतनी गर्म हो गई थी कि हैंसन का पैर ही जल गया था। मूवी के एंडिंग में इमोशन एकदम असली थे। मैरिलिन सच में खुश थी क्योंकि शूटिंग फाइनली खत्म हो रही थी, और हैंसन चेनसो घुमाकर हूपर को अपना गुस्सा दिखा रहे थे क्योंकि उन्होंने एक्टर से काफी काम लिया। स्टार्टिंग में फ्रैंकलिन बताता है कि कैसे स्लॉटर हाउस में कैटल्स को मारते थे, और एग्जैक्टली वैसे ही फिल्म में पहली डेथ हुई थी, सर में हथौड़ा मारकर। इस मूवी की किलिंग्स को एक मेटाफोर भी माना जाता है एनिमल किलिंग्स का। इस मूवी का बॉडी काउंट है 5। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी लेदरफेस की तरह आपके पीछे पड़ सके यूट्यूब के ऑर्डर पर। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप सीक्वल देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। अब आपने ओरिजिनल फिल्म भी देख ली है इसलिए आप रिबूट्स भी चेक कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले सबको बाय।